मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनुमान बच्चो। आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कृत्रिम वाच्य से कर्म वाच्य में परिवर्तन करना है। यानी सेंटेंस हमारा कृत्रिम वाच्य है, उसको किस में परिवर्तित करना है? हमें कर्म वाच्य में। लेकिन उसको परिवर्तन करने के लिए कुछ नियम होते हैं, वो नियम आप पहले जान ले। सबसे पहले आप कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? के द्वारा या से या फिर द्वारा। इसको यदि कर्म वाच्य में चेंज करना है तो क्या करना होगा? कर्ता को गौण बनाना होगा, कर्ता को छोटा करना होगा, तभी हम कर्म को बड़ा कर सकते हैं। तो कर्ता के साथ क्या लगा देंगे? के द्वारा या से या द्वारा विभक्ति लगा देंगे। क्या लगा देंगे कर्ता के साथ? के द्वारा या से या द्वारा विभक्ति लगा देंगे। अब सेकंड क्या करना है? यदि कर्म के साथ कोई प्रसंग हो तो उसको हटा देंगे। क्या करना है? प्रसंग को हटा देंगे, प्रसंग को नहीं लिखेंगे। तीसरा क्या है? क्रिया की धातु के साथ आ, ता या जोड़ा जाता है और जा को जोड़ा जाता है, तो क्या करते हैं? उसके लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार ही जोड़ा जाता है। जैसे हमने लिया कृत्रिम वाच्य, ये कृत्रिम वाच्य नंबर वन क्या है? रुद्राक्ष केला खाता है। ये सेंटेंस कंप्लीट है। इसको कर्म वाच्य में कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कर्ता को गौण बनाएंगे। कर्ता को गौण बनाने के लिए सबसे पहला नियम क्या है? कर्ता के साथ क्या लगा देंगे? के द्वारा, से या द्वारा विभक्ति लगा देंगे। जैसे नंबर वन लेते हैं, रुद्राक्ष से केला खाया जाता है। हमने क्या लगा दिया? जा, धातु की क्रिया की धातु के अनुसार। अब अगला लेते हैं, हाथी पानी पीता है, तो हाथी को गौण बनाना होगा। हाथी करता है, तो कर्ता को गौण बनाने के लिए क्या लगाएंगे? क्रिया के साथ के द्वारा, से या द्वारा विभक्ति लगा देंगे। तो हाथी से पानी पिया जाता है। दिया रामायण पढ़ती है, तो क्या लगाएंगे? दिया के द्वारा। कौन सी विभक्ति लगाई? के द्वारा, इसमें से, ताकि कर्ता गौण हो जाए। दिया के द्वारा रामायण पढ़ी जाती है। अगला लगाएंगे, मंजुल गीत गाती है, तो इसमें मंजुल कौन है? कर्ता। इसको गौण बनाने के लिए हम क्या करेंगे? मंजुल से गीत गाया जाता है। मंजुल गीत गाती है, इसको कैसे परिवर्तित करेंगे? मंजुल से गीत गाया जाता है, तो हमने इसमें से विभक्ति लगाई और क्रिया में क्या लगाया? जा। तो ये वचन लिंग के अनुसार ही लगता है, जा धातु। अगला लेते हैं, आयुष ने आम खरीदा, तो कैसे लिखेंगे? आयुष द्वारा आम खरीदे जाते हैं। हमने जा धातु लगाया, यहाँ पे हमने कर्ता को गौण बनाने के लिए द्वारा लगाया, या ऐसे भी लिख सकते हैं, आयुष से आम खरीदे जाते हैं। अगला लेते हैं, नंबर सिक्स क्या है? उसने फूल तोड़ा, तो कैसे लिखेंगे? उससे फूल तोड़ा जाता है, तो हमने यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगाई? से। उससे फूल तोड़ा जाता है, कौन सा धातु लगाया क्रिया में? जा। तो अब अगला लेते हैं, वह आम खाता है, तो क्या लिखेंगे? नंबर सेवन, उसके द्वारा आम खाया जाता है, खाया, फिर जा धातु लगाया, जाता है। क्या लगाया? उसके द्वारा आम
सिखाया जाता है। अब हम अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? माँ देवी ने कविताएं लिखी, तो इसको कैसे परिवर्तित करेंगे? महादेवी द्वारा कविताएं लिखी गई। अगला लेते हैं, आर्यवर्त ने चित्र बनाया, तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको? आर्यवर्त द्वारा चित्र बनाया जाता है। इसमें क्रिया में अक्सर जा आता है, यानी क्रिया में जा आता है और विभक्ति के द्वारा भी आ सकता है, से भी आ सकता है, द्वारा भी आ सकता है। जैसे आर्यन ने खाना खाया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आर्यन के द्वारा खाना खाया जाता है, या आर्यन से खाना खाया फिर जा जाता है। क्रिया में हमेशा जा आएगा ही या आएगा ही। क्या अगला है? प्रधानाचार्य ने पुरस्कारों की घोषणा की। प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल, क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्य के द्वारा, विभक्ति क्या लगाई हमने? के द्वारा। यहाँ पे क्या लगाई? से। प्रधानाचार्य के द्वारा पुरस्कारों की घोषणा की जाती है या की गई। अगला लेते हैं, आज बच्चों ने जगह जगह पेड़ लगाए, तो क्या लिखेंगे? आज बच्चों के द्वारा जगह जगह पेड़ लगाए गए। अगला लेते हैं, क्या है हमारा सेंटेंस? दादी मजेदार कहानियां सुनाती थी, तो इसको कैसे लिखेंगे? दादी के द्वारा मजेदार कहानियां सुनाई जाती थी। मैंने भी बच्चों के लिए बेड टाइम स्टोरीज तैयार की है, आप चाहे तो उन्हें प्रतिदिन एक एक करके सुन सकते हैं, लेकिन उसका मोरल आपको लिखना भी होगा। इससे आपको हमेशा के लिए कहानी याद रहेगी और उससे मेरी शिक्षा भी याद रहेगी। अगला वाक्य लेते हैं, क्या आप क्रिकेट खेलेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको? हम इसको कर्मवाच्य में कैसे चेंज करेंगे? क्या आपसे, क्या लगाएंगे? विभक्ति से। क्या आपसे क्रिकेट खेला जाएगा? अगला लेते हैं, क्या रेवान तैरेगा, तो क्या कैसे लिखेंगे इसको? क्या रेवांत से, विभक्ति क्या लगाई हमने? से। रेवांत से तैरा जा सकता है। क्या लिखा? क्या रेवांत से तैरा जा सकता है? क्वेश्चन मार्क। अगला लेते हैं, माँ ने बच्चों को डांटा, तो कैसे लिखेंगे इसको? माँ के द्वारा बच्चों को डांटा जाता है। अगला लेते हैं, युग ने गीत गाया, तो कैसे लिखेंगे? युग से गीत गाया जाता है। अगला लेते हैं, यति ने पाठ पढ़ा, तो कैसे लिखेंगे? यति के द्वारा, आप सोचेंगे कैसे लिखेंगे, के द्वारा लिखेंगे या से लगाएंगे या द्वारा लगाएंगे? कोई भी विभक्ति जो सूट करती है वो लगा सकते हैं। जैसे युग के द्वारा गीत गाया जाता है, भी लिख सकते हैं युग
के द्वारा गीत गाया जाता है, ऐसे लिखने से भी सही होगा। युग से गीत गाया जाता है, ये भी सही होगा। यति से पाठ पढ़ा जाता है, ये भी सही है। यति के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, क्रिया में क्या लगाया, जा। अब हम अगला वाक्य लेते हैं। अगला वाक्य हमारा क्या है, आज आचार्य ने सुंदर भाषण दिया। क्या है हमारा वाक्य, आज आचार्य ने सुंदर भाषण दिया। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे कर्मवाच्य में, कैसे चेंज करेंगे, आज आचार्य द्वारा, ये नेम हटा देंगे, प्रसंग को हम हटा देंगे, क्योंकि हमारा सेकंड नियम क्या था, कर्म के साथ कोई भी प्रसंग हो तो उसको हटा देंगे। आज आचार्य के द्वारा सुंदर भाषण दिया गया। अगला लिखते हैं, मैंने पत्र लिखा। क्या है, मैंने पत्र लिखा, तो कैसे लिखेंगे, मुझसे पत्र लिखा गया। इसमें हमेशा क्रिया या तो या होगा या जा होगा या फिर क्या लिखा हुआ हमने, इसमें या तो या, इसमें क्रिया की धातु के साथ या तो या जोड़ा जाएगा या आ जोड़ा जाएगा या ता जोड़ा जाएगा या जा जोड़ा जाएगा। तो मैंने क्या जोड़ा, लिखा गया, या जोड़ा है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, ये तीन नियम होते हैं, कर्ता के साथ से, के द्वारा या सिर्फ द्वारा विभक्ति लगा दी जाती है, जिससे कर्ता गौण हो जाता है और कर्म प्रधान हो जाता है। सेकंड नियम क्या है हमारा, कर्म के साथ कोई प्रसंग हो तो उसको हटा दिया जाता है। और थर्ड रूल क्या है, क्रिया की धातु के साथ या तो या जोड़ा जाता है या आ जोड़ा जाता है या ता जोड़ा जाता है या जा जोड़ा जाता है, तभी वो कर्मवाच्य बनेगा। जैसे ये है, राम ने रावण को मारा, तो हम क्या करेंगे, राम के द्वारा, कौन सी विभक्ति लगा दी हमने, के द्वारा, राम के द्वारा रावण को मारा गया, या लगा दिया क्रिया में, क्या लगाया, या। अगला लेते हैं, भारत ने नया उपग्रह छोड़ा, तो क्या कैसे लिखेंगे, भारत के द्वारा, भारत के द्वारा नया उपग्रह, क्या लिखेंगे, उपग्रह यानी सैटेलाइट, उपग्रह छोड़ा गया, इसमें भी या लगाएंगे। अगला लेते हैं, दिया पुस्तक पढ़ती है, क्या है, दिया पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें कर्म प्रधान है, इसको इसमें कर्ता प्रधान है, अब इसको कर्म प्रधान कैसे बनाएंगे, दिया को गौण बनाने के लिए हम इसके सामने क्या लगा देंगे, एक विभक्ति, दिया से पुस्तक पढ़ी जाती है, हमने क्या लगा दिया क्रिया में, जा, तो क्या लिखा, दिया से पुस्तक पढ़ी जाती है। अगला लेते हैं, मंजुल गाना गाएगी, तो क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे इसको, मंजुल के द्वारा गाना गाया गया, या मंजुल के द्वारा गाना गाया जाता है। अगला लेते हैं, माता बच्चे को खाना खिलाती है, तो इसमें क्या है, माताजी प्रधान है, कर्तृत्ववाच्य है, अब हमें कर्मवाच्य बनाना है, माताजी को गौण करना है, तो हमें क्या करना होगा, माता के द्वारा, के द्वारा लगा देंगे, तो भी ये विभक्ति लगा देने से क्या होगा, माताजी गौण हो जाएगी, माता के द्वारा बच्चे को खाना खिलाया जाता है। अगला लेते हैं, अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाएंगे, तो क्या करेंगे, इसमें अध्यापक क्या है, कर्ता है,
तो ये कृतवाच्य है, इसमें मेन है अध्यापक। अब हम अध्यापक को गौण बनाने के लिए क्या करेंगे, अध्यापक से विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया जाएगा। अगला लेते हैं, मैंने समायरा को पत्र लिख दिया है, तो कैसे लिखेंगे इसको, मेरे द्वारा ये विभक्ति है, मेरे द्वारा, द्वारा क्या है विभक्ति, मेरे द्वारा मायरा को पत्र लिखा जाता है। अगला लेते हैं, अनेक चित्रकारों ने सुंदर चित्र बनाए, तो चित्रकारों को गौण करने के लिए हम क्या विभक्ति लगाएंगे, अनेक चित्रकारों के द्वारा ने हटा देंगे, प्रसंग को हम हटा देंगे, क्या लिखेंगे, अनेक चित्रकारों के द्वारा सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार से कृतवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं। इसके तीन नियमों को आपको याद रखना है। क्या करना है, कर्ता को गौण बनाने के लिए हम विभक्ति लगाएंगे, कौन सी विभक्ति, से भी लगा सकते हैं, द्वारा भी लगा सकते हैं, के द्वारा भी लगा सकते हैं। सेकंड, आपको प्रसंग को छोड़ना होगा, कर्म के साथ आए हुए प्रसंग को आपको छोड़ देना होगा, और फिर अंत में क्रिया के साथ या आ ता या जा लगाना होगा। इस प्रकार से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए कृतवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही कुशल हो जाएंगे, क्योंकि कहा भी गया है विद्या होती है अभ्यास से सरल। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही कुशल हो जाएंगे और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल और सहज बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े, और ग्रामर में आपको किन किन टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी अपनाइए मत शर्माइए। हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। धन्यवाद।